नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि इस मामले की जांच कौन करेगा। रिया चक्रवर्ती लगातार कह रही थी कि यह पूरा मामला मुंबई ट्रांसफर किया जाए, लेकिन वही आप याद करिए, जब बिहार से टीम गई थी जांच करने के लिए तो किस तरीके से उनके साथ कॉपरेट नहीं किया जा रहा था। एक सीनियर अधिकारी तक को क्वारंटीन कर दिया गया था, नियमों के बारे में बताया गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिहार में दर्ज एफआईआर बिल्कुल सही थी, यानी जो बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी वह संवैधानिक तौर पर बिल्कुल सही थी, जबकि मुंबई पुलिस कह रही थी कि यह एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, यानी कि जो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बार बार कह रहे थे कि वो संवैधानिक तौर पर काम कर रहे हैं, संविधान के तमाम नियमों को वह मान रहे हैं, तो वह बिल्कुल सही कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि उन्हें सीबीआई को पूरा सहयोग करना होगा, यानी अभी तक जो मुंबई पुलिस सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में जिन बातों को छुपा रही थी, जो डॉक्यूमेंट्स वो बिहार पुलिस को नहीं सौंप रही थी जांच करने के लिए, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अब उन्हें सीबीआई को देना होगा। अब मुंबई पुलिस की भी जांच पर सवाल उठेंगे। जब मुंबई पुलिस डॉक्यूमेंट सौंपेगी तो उस डॉक्यूमेंट में क्या कुछ दर्ज है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, अब इसका भी पता चल जाएगा। सीबीआई इस पूरे मामले की अपने तरीके से जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह भी कहा कि वह चाहे तो एक फ्रेश केस दर्ज कर सकती है। हालांकि पटना के राजीव नगर में जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने केस दर्ज कराया था, एफआईआर जो दर्ज कराई थी, उस एफआईआर को बिल्कुल सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। तो अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जो मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी, जो महाराष्ट्र सरकार लगातार इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब जब सीबीआई उनसे डॉक्यूमेंट मांगेगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा है कि आपको हरेक डॉक्यूमेंट्स अब सीबीआई को सौंप देना है, पूरा सहयोग करना है, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से मुंबई पुलिस सहयोग करती है, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। इस बार पूरे देश ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की मुंबई पुलिस ने, यह भी एक बड़ा सवाल था। इतने महीने बीतने के बाद भी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान यह बात भी कही थी विकास सिंह ने कि आखिर आप कैसे मुंबई इस केस को ट्रांसफर कर सकते हैं जो मुंबई पुलिस ने एक केस तक दर्ज नहीं किया। इतना ही नहीं, जब आज बेंच ने फैसला सुनाया है तो उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई चाहे तो नया मुकदमा दर्ज कर सकती है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि बिहार में उनके खिलाफ दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। रिया के खिलाफ सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि रिया ने ही सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया। इतना ही नहीं, 15 करोड़ रुपए के लेन देन का भी आरोप है कि आखिर 15 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के खाते से किनके खाते में ट्रांसफर हुए, इसे लेकर भी ईडी सवाल कर रही थी रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अब जो मुंबई पुलिस, अभी तक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो रिया चक्रवर्ती की मदद कर रही है या महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, अब यह पूरा मामला सीबीआई के पास है। अब सीबीआई जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मुंबई पुलिस को यह निर्देश दिया है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आपके पास है, वह तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको अब सीबीआई को सौंपना होगा। आप याद करिए, जब बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई गई थी तो उन्हें किस तरीके से रोका गया था, फिर भी उस टीम ने काम किया। जब सीनियर अधिकारी वहां जांच के लिए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। फिर सवाल उठा कि आखिर क्वारंटीन क्यों, क्यों इस जांच से भाग रहे हैं आप, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर देश की जनता, बल्कि खुद बहुत सारे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लगातार यह बात उठी थी कि आखिर मुंबई पुलिस इस जांच से भाग क्यों रही है, वह क्यों बार बार यह कह रही है कि इस मामले में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, जबकि सवाल कई सारे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई तो तमाम वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। उस पक्ष रखने के बाद
जो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, या एक तरीके से कहें कि देश की भी यह मांग थी कि इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाएगा तो सिर्फ सीबीआई ही न्याय दिला सकती है, और अब पूरा मामला सीबीआई के पास चला गया है। लेकिन मुंबई पुलिस के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस को अब तमाम डॉक्यूमेंट्स, एक एक डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक वो बिहार पुलिस को नहीं सौंप रही थी, उन्हें सौंपना होगा। साथ ही बताना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का समय दर्ज क्यों नहीं है। वो तमाम बातें जो पिछली बार वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान कही थी, पूछी थी कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जो मुंबई पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, इस पूरे मामले की जांच जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से जांच नहीं की गई, आनन फानन में आप एक नतीजे पे पहुंच गए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर देश के इतने बड़े एक्टर की, जो जिंदा दिल थे, बल्कि जो रिया चक्रवर्ती लगातार आरोप भी लगा रही थी कि उनका परिवार के साथ संबंध नहीं अच्छा था, बल्कि उनके बहन तक पर आरोप लगाया गया है, लेकिन उसके बाद उनकी मौत के बाद जो बहुत सारे वीडियो सामने आए उससे कहीं भी नहीं लगता कि ना तो वो डिप्रेशन में थे, ना ही उनका परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। तो फिर आखिर अब रिया चक्रवर्ती कौन सी नई कहानी गढ़ेंगी, कैसे बचेंगी वो सीबीआई के फंदे से, क्योंकि सीबीआई अब बहुत सारे सवाल करने वाला है उनसे, सीबीआई हर एक तह तक जाने वाला है जो अभी तक मुंबई पुलिस भी छिपा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश है कि मुंबई पुलिस को हर एक पन्ना सौंपना होगा सीबीआई को, जो अभी तक उन्होंने ना तो बिहार पुलिस से सहयोग दिया। आप ये भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में यह माना गया कि जो बिहार में दर्ज एफआईआर है वह बिल्कुल सही है, यानी कि संवैधानिक दायरे में ही वह एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। तो जो मुंबई पुलिस बार बार कह रही थी, अब सवाल उठता है कि आखिर मुंबई पुलिस क्या छुपाना चाहती थी, ऐसी कौन सी बात है जिस पर मुंबई पुलिस पर्दा डालना चाहती है, और अब इन तमाम बातों से पर्दा उठाएगी सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त कि मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि हर एक डॉक्यूमेंट अब उन्हें सीबीआई को सौंपना ही होगा। मैं बहुत खुश हूं, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है, ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है, और मैं ये बता देता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है, लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है, और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था, और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया, उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से सही काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। बिकॉज द वे मुंबई पुलिस वॉज बिहेविंग वॉज टोटली इलीगल, वॉज टोटली अनइथिकल, वॉज टोटली अनप्रोफेशनल। वन आईपीएस अफसर इज गोइंग टू मुंबई विथ प्रायर इन्फॉर्मेशन एंड ही इज बीइंग क्वारंटीन एट 12:00 midnight. This is not done. This is not professional behavior.